जाएगा लेफ्ट, क्या हो जाएगा एडमिन टू द लेफ्ट। फिर दूसरा सेंटेंस हमने बताया जैसा लिखा हो वैसे ही लिख देना, यू विल रीच द कॉलेज, यू विल रीच द कॉलेज। यानी पहला सेंटेंस में आपको क्या करना, पहले सेंटेंस में आपको कोई परिवर्तन करना है, आईएनजी लगानी है, और दूसरे सेंटेंस को आपको वैसे ही लिख देना है। देखेंगे इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखेंगे, ही वॉज थर्स्टी, वह भूखा था, वह भूखा था, ही ड्रंक मच वाटर, उसने पानी पी लिया। यहाँ पर क्या करेंगे, वॉज जहाँ पर हमने लिखाया था उसमें बताया था, जहाँ पर वॉज इज एम आर, वॉज पर कहीं पर आ जाए तो आपको क्या करना, आईएनजी लगा देनी है, बीइंग में आईएनजी लगा देनी है। तो बी में आप क्या करोगे, यहाँ पर वॉज होगा तो एक कर दोगे यहाँ पर बीइंग थर्स्टी, क्या लिखोगे बीइंग थर्स्टी, है ना। फिर क्या कर दोगे, ही ड्रंक मच वाटर, दूसरा सेंटेंस आपको वैसे ही कर देना जैसा कि लिखा हुआ है। चौथा एग्जांपल देख लेंगे, ही ड्राइव अ गन, उसने गन उठाई, ही शूट द टाइगर, ही शूट द लायन, उसने शेर को मार दिया। अब इसमें क्रिया में देखो, उसने बंदूक उठाकर, उठाने में कर आ रहा है, वहाँ पर क्या कर देना राइजिंग अप, क्या करोगे राइजिंग अप, यहाँ पर आईएनजी आपको लगा देनी है, राइजिंग अप, राइजिंग द गन ही शूट द टाइगर, दूसरा सेंटेंस आपको वैसे ही सेम दिख रहा है। आपको किसी प्रकार का कोई दूसरा सेंटेंस में परिवर्तन नहीं करना, केवल कॉमा लगा देना, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा आप अगर रूल्स को फॉलो करेंगे, अगर रूल्स आप सीख जाएंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। पांचवा सेंटेंस देखेंगे, ही ड्रीव हिज शॉट, ड्रीव कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। तो हमने बताया वर्ब के सेकंड फॉर्म में नहीं आईएनजी लगाना है, बल्कि किस में लगाना है, फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर ही ड्रीव हिज शॉट, ही किल्ड द एनिमी, ये क्या हो जाएगा इसका, ड्राइविंग, ड्राइविंग हिज शॉट, ही किल्ड द एनिमी, निकल दिया नहीं। दूसरा सेंटेंस आपको वैसे ही कर देना है, और ये पहले सेंटेंस के बाद में आपको कॉमा लगा देना है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट ये पार्टिसिपल का पहला फॉर्म है, इसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। अब दूसरे की एग्जांपल देख लेते हैं, यानी सेकंड का भी एग्जांपल देख लेते हैं, तो क्या है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में अगर हिंदी इसका फॉर्म निकालेंगे, हिंदी अर्थ निकालेंगे, तो वहां पर हो जाएगा हुआ, हुई, हुए, और इसको एज एडजेक्टिव यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरीके से, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं एज एडजेक्टिव, अभी बताएंगे आपको। जैसे देखो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, हरी फाउंड अ पेन, हरी ने ए पेन पाया, फाउंड देखो सेकंड फॉर्म है, ये कौन सेकंड फॉर्म है, ये कहीं पर लगती है तो आप समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको टेंस नहीं आते, अभी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, उसको आप देख सकते हो। यहाँ पर देखेंगे फाउंड, ये सेकंड फॉर्म है, तो हरी फाउंड अ पेन, हरी ने पेन पाया, द पेन वॉज लॉस्ट, ये लॉस्ट क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको आपको उठा करके क्या करना है, क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, तो इसका प्रयोग आपको पेन से पहले कर देना है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा हरी फाउंड अ लॉस्ट पेन, क्या हो जाएगा लॉस्ट पेन, यानी हरी ने खोया हुआ पेन पाया। तो इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, आई सा लैन, सामिस होता है, क्या होता है, सामिस होता है, और सेकंड फॉर्म होती है इसका देखा, फर्स्ट फॉर्म होती है सी, और सेकंड फॉर्म होती है सा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सा, अब ये जो दूसरा रूप क्या है, द लैन वॉज इंडेड, पूर्ण किसका होता है घायल, पूर्ण किसका होता है घायल, यहाँ पर लिख देंगे आई सा ए वुंडेड, यानी इसको उठा करके हम क्या करेंगे, घायल कौन सी चीज है, लैन, शेर घायल है, इसलिए इसको उठा कर यहाँ पर लिख देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा आई सा ए वुंडेड लैन। ये हमारा क्या हो जाएगा,
pens. तीसरा देखेंगे Priya found a purse. Priya ने एक पर्स पाई. The purse was lost. और पर्स क्या हो गई थी? खो गई थी. तो क्या करना है? इस लॉस्ट को उठाकर कहाँ पर रखोगे? इस लॉस्ट को उठा करके आपको रख देना है पर्स से पहले, है ना? सेंटेंस हो जाएगा Priya found a lost purse. इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा Priya ने खोई हुई पर्स पाई. इसका मीनिंग हो जाएगा हुआ, हुई और हुए, है ना? ये दूसरा हो गया, यानी कहने का से पांच पार्टिसिपेट हो गया. आपको ये अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं तीसरा, ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपेट. परफेक्ट पार्टिसिपेट देख लेंगे. इसमें मैंने बताया था एक एक सेंटेंस के बाद में दूसरा सेंटेंस आएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, समय लगेगा. और इस सेंटेंस में समय नहीं लगता है, एक्शन में पार्शियल होती है, इसमें समय लगेगा. आपको ध्यान समझना थोड़ा सा. यहाँ पर देखेंगे सुमित टुक द फूड. सुमित टुक द सुमित ने खाना खाया. सुमित वेंट टू स्कूल. सुमित स्कूल चला गया. तो यहाँ पर देखो टाइम लग रहा है, खाना खाने में टाइम लगेगा और स्कूल जाने में टाइम लगेगा, इसीलिए इसमें क्या लगेगा? Having taken. Taken क्या हो गया जी? वर्ब की थर्ड फॉर्म. Having taken the food. फिर क्या हो जाएगा दूसरा सेंटेंस आपको? इसमें भी वैसे लिख देना है सुमित वेंट टू स्कूल. ये देख लेंगे हम. इसके बाद दूसरा सेंटेंस देख लेंगे जिससे कि और अच्छी तरीके समझ में आ जाए. आरती फिनिश्ड हिज वर्क. आरती ने अपना काम समाप्त किया. He went to home. वह घर गई. अब देखेंगे यहाँ पर, देखो एक समय एक काम की बात है, दूसरा काम में समय लग रहा है. सबसे पहले आरती क्या करेगी? अपना काम समाप्त करेगी, उसके पश्चात में वो घर जाएगी. समय लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा? Having. क्योंकि अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो अपना काम समाप्त करने के बाद, ने के बाद या ने के पश्चात, है ना? करने के पश्चात आरती घर गई, है ना? यानी having finished his work, आरती went to home, है ना? तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा. ये तीसरा देखेंगे. He wrote a letter. उसने एक पत्र लिखा. He posted it. उसने इसको पोस्ट कर दिया. यहाँ पर जब एक में करेंगे तो आपको क्या करना है? देखो लिखने में समय लग रहा है, एक्शन में फास्टनेस नहीं है, गतिशीलता नहीं है, इसीलिए क्या लगाओगे यहाँ पर? Having लगा दोगे. तो having वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे written a letter, he posted it. तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इससे अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए. देखेंगे द हंटर टुक अप द गन. अब यहाँ पर देखो सेम ये वाला सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है, लेकिन अंतर देखो, थोड़ा सा अंतर एकदम. ये थोड़ा सा अंतर देखेंगे. द हंटर टुक अप द गन. शिकारी ने अपनी बंदूक ली, है ना? बंदूक उठाया. ही वेंट आउट टू द शूट द लायन. और वह शेर को मारने के लिए चल दिया. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? He raised the gun, he shoot the lion. उसने तुरंत क्या किया? शेर को शूट कर दिया, मार दिया. तो यहाँ पर तुरंत कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टाइम लग रहा है, यानी मारने के लिए, शेर को मारने के लिए वह आ गया. तो यहाँ पर देखेंगे क्या लगाएंगे? Having taken up the gun. दूसरे सेंटेंस में कॉमा लगा देना है और पूरा सेंटेंस आपको वैसे ही लिख देना है. ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और आपका ये पार्टिसिपल का पार्ट, ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सेंटेंसेस के अन्य पार्ट, जिसमें इन्फिनिटिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजेक्शन के बारे में बताएंगे. तो आप इस वीडियो को एक या दो बार देखेंगे और आपको अच्छी तरीके से सेंटेंसेस आ जाएगा. ओके, थैंक यू. Thank you.